हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और अगर आप लोग अच्छे नहीं हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द अच्छा कर दें। तो भाइयों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि अगर आप किसी लड़की से बात करने वाले हैं तो ये गलतियाँ भूल कर भी मत करना। देखो, अगर आप कोई लड़की को पटाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आप उससे बात करोगे ही, लेकिन अगर आप बात करते वक्त ये गलतियाँ कर दोगे तो फिर बिल्कुल लड़की आपसे नहीं पटने वाली। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो 5 गलतियाँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ, जो है कि झूठी तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए। भाइयों, सबसे ज्यादा गलतियां जो हम करते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि हमने मूवीज में, फिल्मों में, सीरियल्स में यही सब देखा होता है कि आंखों की तारीफ कर दो, उसके बालों की तारीफ कर दो, उसकी खूबसूरती की कि वो कितनी गोरी चिट्टी है, कितनी ऐसी है वैसी। भाई, ये सब काम नहीं आता। देखो हाँ, ये ठीक है, अगर तुमने थोड़ी बात कर ली है, 5-10 बार बात कर ली, उसके बाद अगर आप ये सब तारीफ करो तो काम करती हैं, लेकिन अगर आप पहली बार ही बात कर रहे हो और ये सब बोलने लग जाओगे तो लड़की को साफ पता लग जाएगा कि भाई तुम झूठ बोल रहे हो, और झूठे लोग लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। तो कोशिश करना कि कभी भी तारीफ झूठी मत करना, कभी भी ज़्यादा तारीफ मत कर देना कि तुम ऐसी हो वैसी हो। पता लगा कि बंदी गोरी है भी नहीं और तुम गोरेपन की उसकी तारीफ किए जा रहे हो, तो भाई देख के तारीफ करना, बिल्कुल सोच समझ के तारीफ करना, और झूठी तारीफ बिल्कुल मत करना। और तारीफ ऐसी करो जो कि थोड़ी यूनिक हो, जैसे उसके बोलने के स्टाइल की। अगर उसकी आवाज मीठी है तो उसके बारे में तारीफ करो, अगर उसका नेचर अच्छा है, उसका नेचर हेल्पिंग नेचर का है, तो उसकी तारीफ करो। तो कोशिश करो कि यूनिक तारीफ करो, तारीफ थोड़ी हटके करो, और झूठी तारीफ और ज्यादा तारीफ बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि जगह और टाइम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। भाई, बहुत बार लड़के ये शिकायत करते हैं कि लड़की उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, लड़की उनकी बातें नहीं सुनती, वो कुछ भी कहते वो हम हाँ कह के चली जाती है। भाई, इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपने जो टाइम चूज किया है वो बिल्कुल ही गलत है। कई बार हम ऐसे टाइम पे पहुंच जाते हैं जहां पर लड़की बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होती है। अब मान लो वो अपने कॉलेज के टाइम पे जा रही है और बीच में ही आप उसको रोक के बात करने लगोगे, तो भाई एक तो वैसे ही लेट हो रही होगी, ऊपर से जाके तुम बात करने लग जाओगे और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे ढंग से बात करे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। तुम थोड़ा सोचो समझो, उसके बारे में पता करो, और ये पता करो कि किस टाइम पे वो ज़्यादा फ्री रहती है, उसका टाइम फ्री रहता है, उस समय पे जाके बात करो। और प्लेस यानी कि जगह, जगह को बिल्कुल देख दाग के बात करना भाई, क्योंकि भाई कई बार ऐसा होता है कि लड़की इस वजह से भी बात नहीं करती क्योंकि आसपास उसका कोई जानकार होता है, तो ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी अनजान लड़के से बात करते हुए उसे कोई देख ले। तो भाई आपको जगह और टाइम को बिल्कुल देख के चूज करना है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि आई कॉन्टैक्ट। भाइयों, आपको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप कितने भी अच्छे इंसान हो, कितने भी ब्रेव हो, अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बनाओगे ना तो आप बिल्कुल चुज्जू दिखोगे। भाई देखो, अगर आप तारीफ सच्ची भी करोगे और अच्छी भी बात करोगे पर आई कॉन्टैक्ट नहीं करोगे ना, तो लड़की को यही लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और लड़कियों को वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो भाई आंखों में आंखें देखकर बात करो, घूरना मत लेकिन आंखों में आंखें देखकर बात करो। अगर आप झूठ भी बोलोगे ना तो थोड़ा बहुत सच में चला जाएगा, लेकिन भाई अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे और सच भी बोलोगे तो वो झूठी ही तारीफ होगी। तो भाई कोशिश करो कि आई कांटेक्ट बनाओ, बिल्कुल डटकर सामना करो और एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि कभी भी अपनी ही बात मत करो, उसकी भी सुनो। बहुत बार लड़के ये करते हैं कि वो सोचते रहते हैं कि मैं लड़की से ये बात करूंगा, वो बात करूंगा, ऐसे बात करूंगा, वैसे बात करूंगा, तो ऐसे में होता क्या है कि लड़के फुल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और उसकी बातें सुने बिना ही अपना बड़बड़ाने लग जाते हैं। भाइयों, आपको उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो कि उनकी बात सुने, ना कि अपनी बात करता रह जाए। तो भाई आप कोशिश करो कि सिर्फ अपनी बात मत करो, 50-50 का रेशियो रखो, ना सिर्फ अपनी बात करो और ना सिर्फ उसी की बात करो, तो अपनी भी बात करो, कुछ उसकी भी बात करो। और एक चीज ध्यान रखना कि जिस बात में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो उस बात को ज्यादा खींचो। ये मत देखना कि यार मैंने तो ये टॉपिक पे बात करनी है, बस इस टॉपिक पे ज्यादा बात हो गई, छोड़ो। भाई अगर आपको लगे ना कि लड़की थोड़ा बोर हो रही है तो उस टॉपिक को हटा दो, लेकिन अगर आपको लगे कि लड़की इस टॉपिक पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, खींचो। अगर पूरा टाइम भी ले लेती है ना उस टॉपिक पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको ज्यादा बोलने देना। तो खुद के बारे में ही मत बोलते रह जाना और खुद ही मत बोलते रह जाना, उसको भी बोलने दो और उसके बारे में भी बात करो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कि भाई फिजिकल टच होने से
थोड़ा सा बचना। स्टार्टिंग के टाइम में बहुत बार लड़के ये गलती कर देते हैं कि वो थोड़ा छूने छाने लग जाते हैं और थोड़ी गलत हरकतें करने लग जाते हैं। भाई ऐसे में आप बिल्कुल गंदे इंसान लगोगे और बैड बॉय साबित हो जाओगे। तो कोशिश करो कि लड़की को ना स्टार्टिंग टाइम में ज्यादा टच मत करो। कई बार लड़के ये करते हैं कि उसके कंधे पे टच कर देते हैं और कई बार तो कुछ और भी। तो भाई आप उसको फिजिकली टच मत करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो समझ जाएगी कि आप सही लड़के नहीं हो। तो भाई जो जो पॉइंट्स मैंने आज आपको बताए हैं वो फॉलो जरूर करना, और जो जो गलतियां मैंने बताई हैं वो भूल कर भी मत करना। तो भाइयों अगर आपको वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर सकते हो, अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आप इस चैनल को या इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। तो भाई आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।